तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा साडी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत है। अज गल करांगे अज दियां तीन चार वड्डियां खबरां ते। सिद्धू मूसेवाले दे घर अज पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, की गल्लां हुईआं, की विचार वटांदरे होए, मैं परिवार नाल गल कीती, जो कुछ गल्लां पता लगियां वो तुहाडे नाल साझियां करांगे। दूसरी गल, पंजाब सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू दी सिक्योरिटी दा स्टेटस लैवल घटा के जैड प्लस तो वाई प्लस कर दिता। मूसा परिवार बलकौर सिंह और उन्हां दी पत्नी हुण अमरीका दे जिहड़े शुभचिंतक बैठे ने शुभदीप सिद्धू दे, सिद्धू मूसेवाला दे, उन्हां नूं एक अपील करन जा रहे ने कि वो अपने अपने इलाके दे सूबियां दे स्टेट्स दे सैनेटर्स और कांग्रेसमैन जिन्हों रिप्रेजेंटेटिव भी कह दें आपां, उन्हां नाल राबता कायम करन, उन्हां नूं रिप्रेजेंटेशंस देन, उन्हां ते प्रेशर बनाउन कि वो जिन्ने भी लोग मूसेवाला केस नाल संबंधित अमरीका च बैठे ने उन्हां नूं वापस हिंदुस्तान भेजण ते वो कार्रवाई करन, अपनी सरकार ते प्रेशर बनाउन, एक प्रेशर ग्रुप तैयार करन दी कवायद शुरू की जा रही है। आउण वाले एक दो दिनों विच सिद्धू परिवार वालों ये अपील जारी की जाएगी और हो सकता है कि उन्होंने भी शायद एक अद्धी वारी अमरीका जाना पवे। उन्हां एम पी जिन्हों जिमें अपने मैंबर पार्लीमेंट होंगे आ उस तरह जिहड़े अमरीका दे यूएसए दे इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिवस हैगे उन्हां कुछ लोगों मिलन की कोशिश की जा सकती है, जिहड़े अपनी सरकार ते जोर पाउण के गोल्डी बराड वर्गे बंदे वापस हिंदुस्तान भेजे जाण ताकि सिद्धू मूसेवाला केस की कोई सुनवाई किसी लॉजिकल एंड तक पहुँच सके। अगली गल, सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू जेल तो छुट्टण तो बाद तकरीबन एक साल के करीब 45 दिन कट वो छुट्टियां कटिया गई उन्होंने जल्दी रिहा हो गए। पहला दौरा पिंड मूसे का करते ने, की माने ने इस दे, की इस तो पहला कोई कांग्रेसी लीडर उत्थे नहीं गया, जरूर गए ने, लेकिन किसी ने भी शिद्दत नाल इस केस नूं उठाया नहीं, किसी ने अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई कि पिछे लग के इस केस नूं किसी तरह सुलझाया जा सके। लिप सर्विस हुंदी रही है, जबानी जबानी गल्लां हुंदियां रहियां ने। देखना होएगा अज नवजोत सिंह सिद्धू ने तकरीबन 3 घंटे उस घर विच बताए जिस घर नूं सिद्धू मूसेवाला ने बड़े चावां नाल बनाया सी, रहण दा समां शायद 2-3 हफ्ते तो ज़्यादा नहीं मिलिया। 2:30 बजे के करीब सिद्धू उत्थे पहुँचते हैं और 5:30 बजे तक उस घर च रहिंदे। पहलां 2 घंटे के करीब घर वालिआं नाल प्राइवेट च गल्लां होईआं, बंद कमरे च की होईआं मैं ना परिवार नूं पुछिआ ना मेरा पुछना बनता सी। उस तों बाद एक छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिते पूरे पंजाब दा ते नैशनल मीडिया पहुँचिआ होया सी। कुछ लोगों नूं शायद इस गल ते शिकायत सी कि वो परिवार जिहड़ा कदे किसे पॉलिटिशियन नूं अपनी स्टेज तो बोलण नहीं दिंदे, उन्होंने सिद्धू मूसे वाले दे इस इशू नूं लै के नवजोत सिंह सिद्धू नूं बोलण दा मौका क्यों दिता। मैं वह भी गल कीती, जवाब मिलिया कि असीं कोई जिहड़े प्रशंसक उत्थे आउंदे आ उन्हां दे सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई भाषण नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सी जिहदे विच सिर्फ
प्रेस वाले सी। वो कॉन्फ्रेंस कित भी हो सकती है, उत्थे ना भी की जाती, वो मानसा कर लेनी सी सिद्धू ने आके, उत्थे प्रेस वाले ने पहुँच जाना सी। सो इस कल इस किस्म दटकलों अटकलों तो दूर ही रहना चाहिए। कोई चंगा कम हो रहा है, कोई आदमी इस केस की पैरवाई करने मदद कर रहा, वो वेलकम है, भावें कोई भी हो। पोलिटिकल अफिलिएशन अपनी जगह, और नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक क्रैडिट जांदा कि वो आदमी सी जिन्हें सिद्धू मूसेवाले नूं पॉलिटिक्स विच लियांदा सी, टिकट दवाई सी, इलैक्शन लड़ाई सी, लेकिन उसनूं इस गल का पता नहीं सी। नवजोत सिंह सिद्धू 20 मई नूं जेल जांदे और 29 मई नूं पिछले साल सिद्धू मूसेवाले का कतल हो जाता बेरहमी नाल। उस तो बाद छुट्टण तो बाद पहला काम नवजोत सिंह सिद्धू ने यह किया कि वह उस पिंड च गए, परिवार को मिले। बहुत गल्लां हुई होनी, लेकिन एक कोइंसिडेंस भी हो सकता, एक सरकार की खुंदक भी हो सकती है। इहो जिहियां गल्लां सरकार पहला भी कर चुकी है। कल मैं एक होर तुहानूं एपीसोड दसूँगा जिहदे च सरकार ने एक उस व्यक्ति तो व्यक्ति विशेष तो बदला लैण लई उन्हों नौकरी तो कढ दिता, क्योंकि उस व्यक्ति ने हिम्मत कीती सी इस सरकार दे कुछ कम्मां नूं नंगा करन दी, पब्लिक सामने लियाउण दी। इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं होया, एक अफसर दी हौमें उन्हों इन्ना दबा दिता कि उन्हें वापस मुड़दे ही चंडीगढ़ आके उस व्यक्ति नूं नौकरी तो बर्खास्त करन दे ऑर्डर कढ़ा दिते। ये गल कल करांगे, लेकिन अज लिमिटेड रखांगे। इहदे नाल ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली अमित शाह जी दे मंत्री ने, उन्होंने एक 28 गैंगस्टर की लिस्ट अज प्रकाशित की है, पब्लिक की है, जेडे पंजाब हरियाणा राजस्थान और दिल्ली नूं बिलोंग करते हैं गैंगस्टर, जिन्हों के संबंध पाकिस्तान की ISI नाल जुड़े है। ये MHA का कहना है, मैं अपने वालों कुछ नहीं कह रहा। या जिहड़ियां खालिस्तानी जथेबंदियां नाल जोड़ के रखण की कोशिश भी की गई है, बबर खालसा इंटरनेशनल की गल की गई है, इन्हां चों जिहड़े 28 बंदियां दे अज लिस्ट दित्ती गई है, उन्हां चों सब तो ज़्यादा 9 बंदे कनेडा च रह रहे। एक गल जिहड़ी बड़े साफ तौर पर उभर के आउंदी, लेकिन आम लोगों ने नोटिस नहीं की, MHA ने अपनी अज की उस स्टेटमेंट एक गल बड़े लुकवें तरीके नाल की है कि इन 28 चों बहुते बंदे अपने आप नूं खालिस्तान का सपोर्टर मानते हैं, और इस इशू ते उन्होंने पोलिटिकल अजाइलम लिया कि वो अपने देश विच अपना एक इंडिपेंडेंट राज चाहते है, जो उतों की सरकार नहीं बन देना चाहती, तशद्दुद करती है, साडे नाल बुरा सलूक हो रहा, साडे अधिकारां दा हनन हो रहा, इस करके असी इन्हां मुल्कां विच शरणार्थी स्टेटस मंगदे। ये गल भी अज की उस स्टेटमेंट विच MHA ने की है। हुण ये या तां MHA नूं दसना चाहीदा सी किहड़े किहड़े लोकां ने कि गोल्डी बराड़ ने भी इस बेस ते पोलिटिकल अजाइनम लिया, कि लखबीर सिंह लंडा हरीके ने भी इस बेस ते अजाइनम लिया, जां जिहड़े लोग अज दी लिस्ट दसे गए ने, कोई जर्मनी च बैठा है, कोई अर्मीनिया च है, कोई आस्ट्रेलिया च है, कोई फिलीपीन च है, कोई मलेशिया च है, कोई हांगकांग है, कोई इटली है। इन्हां लोगों ने एक ब्राज़ील च भी शायद एक दस्या गया कितें कि इन्हां लोगों चों किहड़े किहड़े लोगों ने खालिस्तान के नाम ते अजाइलम लिया। ये दसना बहुत जरूरी सी ताकि पंजाब के लोगों नूं पता लग सके कि किहड़े गैंगस्टर ने जिहड़े क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, फरौतियां मंगते हैं, मर्डर करते हैं,
उस तो बाद बाहर रहने का बहाना खालिस्तान नू बनाते हैं। इस गल का खुलासा MHA ने नहीं किया जो करना चाहिए था, और एहो जी लिस्ट आज तो पहला कदे भी नहीं कढ़ी गई। किन्ने लोग हिंदुस्तान चों हजारा करोड़ा रुपया दे कपले करके भज गए, कदे एहो जे लोगों की लिस्ट पब्लिक नहीं की गई, नशर नहीं की गई, और उन्होंने लियाने लिए जो कार्रवाइयां हो रही वो भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच रही। अगली गल जी MHA नूं दसनी चाहीदी सी अज दी स्टेटमेंट नाल कि असीं इन्हां बंदियां नूं 28 दे 28 बंदियां नूं वापस भारत लियाने लई की कर रहे हाँ जां हुण तक की कार्रवाई कीती है, दसना चाहीदा सी MHA नूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नूं। मसलन कि असीं गोल्डी बराड़ दे मामले विच इंटरपोल नूं आ कहा, उस तो बाद अमेरिकन गवर्नमेंट नूं आ चिट्ठियां लिखियां, इन्ने खत लिखे, साडी एजेंसी ने इन्नी वारी उन्हां दी एजेंसी नाल राबता साध्या, उन्हां नूं आ रिक्वेस्ट कीती है, इन्नियां चिट्ठियां लिखियां, डिप्लोमैटिक लैवल ते गलबात होई है, और साडे उन्हां नूं वापस लिआउण दे यतन जारी हन। इस तरह सब तो ज़्यादा बंदे कनेडा च बैठे ने, उन्होंने 28 चो 9 बंदे कनेडा च। हुण कहण नूं साडी सरकार हर मौके ते पार्लीमेंट के अंदर भी ते बाहर भी इस गल दा ढंडोरा बड़ी इज्जत नाल बड़ा ठोक ठका के बजाउंदे आ, पिटदे आ ढंडोरा कि साडी कूटनीति डिप्लोमैटिक पॉलिसी जिहड़ी आ उह दुनिया भर च बड़ी पसंद की जाती है, दुनिया च हिंदुस्तान का बोलबाला है। अज साडे डिप्लोमेसी नूं लोग इज्जत करते हैं, उन्हूं कबूल करते हैं, मानते हैं, सिर चुकाउंदे ने साडे अगे। अमेरिका च प्रधानमंत्री जाते हैं तां हाउडी नां दे नाल उन्हां नूं हुस्टन च ट्रीट किया जाता, प्रधानमंत्री नाल घूमते ने, उन्हां दे प्रेसिडेंट आते ने भारत, उन्हां दा खैर मकदम किया जाता, झूले ते बिठा के चलाया जाता, और पोर्ट्रे किया जाता कि साडी कूटनीति देखो किन्नी सक्सैसफुल है। लेकिन जदों इहो जे भगौड़े लोगों नूं वापस लियाउण दी गल आउंदी है उदों कूटनीति कित्थे चली जाती है, ये भी दसना चाहिए सी MHA नूं। एफर्ट्स की किते जा रहे ने, कागजी कार्रवाइया की हो रही, लिखती रूप में उहदा ब्यौरा देना चाहिए, जे वह ब्यौरा नहीं देंदे तो ये हवा च तीर मारन वालियां गल्लां ने, खाली लोगों का ध्यान भटकाउण की कोशिश है। सो 9 बंदे कनेडा च बैठे है, कनेडा के प्रधानमंत्री नाल, प्रेजिडेंट नाल, उन्हां दे फॉरन मिनिस्टर नाल गल करो, उन्हां दा की जवाब आया लोगों नूं दसो। 7 बंदे USA च बैठे ने, 28 चों 9 ते 7 16 बंदे 28 चों ये 2 मुल्कां च बैठे है। उस तो बाद इक्का दुक्का कोरमेनिया च है, कोई इटली च है, जो मैं दसिया मलेशिया, होंगकोंग, फिलीपीन इधर बैठे ने, एक दुबई च भी है शायद। दुबई नाल तां बहुत चंगे रिश्ते ने साडे, दुबई ने घट्टो घट महाराष्ट्र च, महाराष्ट्र पुलिस ने घट्टो घट 37-38 बंदे पिछले 2 सालां च दुबई तो वापस लैते हैं, ते जे महाराष्ट्र लिया सकदा ते पंजाब उस जां हरियाणा जां राजस्थान जिथों दा वी ओह बंदा है जिहड़ा दुबई च बैठा उहनूं वापस क्यों नहीं लियांदा जा सकदा। तो दोस्तों बड़े वड्डे सवाल ने, किते ना किते ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा कि ये जड़े बंदे बाहर बैठे ने ये खालिस्तानी सपोर्टर ने, हुण क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल, आउट एंड आउट गैंगस्टर, उन्हां नूं खालिस्तान नाल जोड़ के एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा कि वह बंदे ये सारे गुनाह एक जाति विशेष लई
एक आजाद सूबा आजाद कंट्री मंगण दे दाव्या नाल क्राइम कर रहे ने। मतलब आम लोगों नूं इह दस्या जा रहा है कि खालिस्तानी क्रिमिनल्स होंदे है, गैंगस्टर्स होंदे है। ये पहला नहीं सी कदे सुनिया सी, हुण क्यों गल्लां हो रही हैं? इस दा जवाब कोई लीडर नहीं दिंदा, ना तो पंजाब की सरकार जिन्हां लई पंजाब च पैदा होना एक माण की गल सी, पंजाबी होना एक स्वामान की गल हुंदी है, लेकिन उन्हां नूं इन्हां गल्लां नाल कोई दरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पैदा उन्हां नूं। जो मर्जी करी जाओ, उन्होंने तो अपनी सरकार चलानी है, एक लॉटरी लगी हुई है। मैं कल भाई बलकौर सिंह दे भरा चमकौर सिंह नाल गल कर रहा था, उन्होंने दस्या कि एक लॉटरी बंदे दी निकल जाती है, वो तो पैसा साभिया नहीं जाता क्योंकि उन्हें मेहनत नाल नहीं कमाया हुंदा। वो लॉटरी भावें लख की लगे, भावें 10 लाख की लगे, भावें 10 करोड़ की लगे, उन्हें उड़ा देना क्योंकि उन्हों उस पैसे का मुल नहीं पता। इस तरह आम आदमी पार्टी की लॉटरी लगी हुई है, ये चमकौर सिंह का कहना है कि लॉटरी तो लग गई, इन्हों की 92 सीटा मिल गई, हूँ इन्हों 92 सीटा का लाभ उठा नहीं आ रहा, ये लॉन्डर कर रहे हैं, जिम्मे मनी लॉन्डरिंग करी दी है उस तरह पोलीटिकल लॉन्डरिंग कर रहे हैं। जड़े मूल मुद्दे उन्होंने नहीं आ रहे और उड़ा रहे ने सारा कुछ। सो ये लेकिन इस करके ये लोग कदे भी केंद्र के जड़े ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, पूरी दी कम्यूनिटी नूं क्रिमिनल्स नाल जोड़ना, गैंगस्टर नाल जोड़ना, हर गल ते खालिस्तान की गल करना। असी सारे जिंदगी विचरते हैं, तुसीं असी सारे किन्ने क लोग तुहाडे नाल खालिस्तान की गल करते, दसो जरा मैनूं। तुसीं कितें मॉल चले जाओ, दुकानां जाने हो, कितें शहर चले जाओ, चंडीगढ़ मोहाली की गल लै लो, सैक्टर 17 चले जाओ, 3-2B के शॉपिंग सेंटर चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट बैठ जाओ, किसी मॉल से चले जाओ, किसी सुपर स्टोर चले जाओ, कितने कौन खालिस्तान की गल करता। लेकिन हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया, सरकारी अदारे, उत्थे हर जगह सवाए खालिस्तान तो होर कोई गल ही नहीं होंदी। दोस्तों ये बड़िया सोचने वाली गल्लां ने, मैं हमेशा तुहानू बार बार कहता रहना, साडे बुद्धिजीवी, साडे प्रचारक, साडे धर्मगुरु, साडे लीडर और साडे जिहड़े समाज सेवी, इन्हां नू एक वारी बैठ के अपना पुराने गिले शिकवे भुल के, अपनी पोलीटिकल रंगत भुल के पंजाबी बन के बैठणगे तां किते पंजाब दा भला होणा। खैर वापस आने अपने मुद्दे ते, नवजोत सिद्धू नू शायद मूसे वाले पिंड जाना महंगा पै गया। जैड प्लस सिक्योरिटी सी उहदे कोले 25 गनमैन मिले हुए सी, अगर 25 गनमैन मिले सी इसे सरकार ने दिते सी, हुण जेल चों आउण तों बाद इहो जिहा की बदल गया कि उहदी जिंदगी नूं खतरा घट गया। मैं मखौल नाल गल कर रहा सी किसे नाल अज कि शायद भगवंत मान भी बड़े मजाइया किस्म के आदमी ने, कॉमेडियन रहे ने एक जमाने, कॉमेडियन तो शायद अज भी होणगे। उन्होंने किते नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सुन लिया कि मैं 11 महीने जेल च रह के, 10.5 महीने जेल च रह के 35 किलो वजन घटा लिया, तो मान साहब ने इस गल नूं टीचर च लै लिया। वो कहते ठीक है, तुसीं 35 किलो वजन घटा लिया तो हुण 25 बंदियां की कोई लोड़ नहीं, तुहाडा भार इन्ना ज़्यादा सी कि तुहानूं चक्कण लई असीं 25 बंदे दित्ते सी, हुण तुहाडा भार घट गया तो असीं घटा के हुण 13 बंदे घटा दिंदे हां, तो 12 तुहाडे नाल रहणगे। वह 35 किलो घट भार नूं 12 बंदे आराम नाल चक सकदे आ। तो इस किस्म के अगर माहौल की गल है, लेकिन सरकार को तर्क की है, और ये उदों ही क्यों घटाया गया जदों नवजोत सिंह सिद्धू ने मूसे पिंड जाना सी। की तुहानूं उस सिक्योरिटी वापस लैण की गल याद नहीं आती? ये कि खुंदकां सरकार कढ रही है,
ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਮਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਟਡ, ਕੋਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਰਜਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕੋਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਟਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਫੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੂਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲ ਸੂਖਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।